आज आपको शेयर करने जा रहे हैं 3 टाइप से कुरकुरे लाजवाब पकौड़े, भिंडी के, आलू के और विदाउट प्याज के। चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आपके पास जो भी वीडियो लाऊं। लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आलू के पकौड़े बनाने के लिए सिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैं 2 आलू को छिल के काट ली हूँ। अब चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। कई बच्चे बेसन नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बना के आप पकौड़े बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्राइंड हो चुका है। तो चलिए अब एक बॉल में निकाल लेते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेटा बेसन नहीं खाता है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो आप इस तरह से बनाकर उसको खिला सकते हैं पकौड़े कुरकुरे। तो 2 प्याज, 2 हरी मिर्च और ये देखिए ये अजवाइन, जीरा और काली मिर्च का पाउडर है, हाफ ली हूँ, और हल्दी पाउडर कलर अकॉर्डिंग, रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, सारे को मिक्स कर देंगे आप। सारा सामग्री इसमें आप धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं। तो 1 एसेंस मैं बेकिंग सोडा डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा बेकिंग सोडा डालेंगे तो आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं तेल में पहले ही गर्म करने के लिए रख दी थी, और इसमें डाल करके इसको हम पतले चपटे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं चम्मच की सहायता से इसको पतले कर दी हूँ, और स्टार्टिंग में फुल फ्लेम में फ्राई करना है, और पलटने के बाद मीडियम फ्लेम कर देना है, ब्राउन इसको फ्राई करना है, ताकि आपके पकोड़े क्रिस्पी और लाजवाब बने और टेस्टी। तो आप देख सकते हैं 1 साइड ब्राउन हो चुका है। तो इसको इस तरह से पलट करके मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो मैं पलट दी हूँ और ये देखिए फ्राई हो चुका है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, और इसको आप टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि इसके जो वेस्ट ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले टिश्यू पेपर। और सेकेंड टाइम भी मैं इसी तरह से ये देखिए फ्राई कर ली हूँ। तो आपके आलू के पकोड़े क्रिस्पी बनके तैयार हो गई है। अब चलिए मैं आपको भिंडी के पकोड़े बनाने के लिए सिखाऊंगी। तो भिंडी मैं काट कर ले ली हूँ 4 भाग में, और इसमें आलू के जो पेस्ट में बना के ली हूँ इसमें डाल दिए। आप चाहे तो प्याज स्किप कर सकते हैं और मिर्ची, ओनली मसाला इसमें मिक्स करके इसमें स्टफिंग करके, और इसे भी फुल फ्लेम में स्टार्टिंग में और पलटने के बाद मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं भिंडी के पकोड़े भी बनके तैयार हो गया है क्रिस्पी। तो आप भी बनाइए इस बार होली में मेरी तरह पकोड़े विदाउट बेसन का और विदाउट प्याज लहसुन के। आप प्याज लहसुन खाना भूल जाएंगे। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। चलिए आपको आलू के पापड़ बनाने के लिए सिखाऊंगी, विदाउट सुखाना नहीं, उबालना नहीं, झंझट खत्म। तो ये मैं मेरी फ्रेंड को सिखा रही हूँ। तो ये देखिए एक आलू काट करके छील के ले लिए हैं और इसे ग्राइंड कर लिए हैं, ये देखिए। और चलिए अब इसी तरह से सारे मसाले मिक्स करेंगे प्याज लहसुन के विदाउट। कई लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं। अगर आप लोग भी नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से पापड़ बना के खा सकते हैं। अगर ज़्यादा आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो इसी तरह से बिखर जाएगा। बेकिंग सोडा आप पेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। तो आपके 3 टाइप से पकौड़े पापड़ बनके तैयार हो गया है। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी लेकर। हैप्पी हो। अपना फीडबैक लिखिएगा कैसी लगी वीडियो।